नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू आवर चैनल एंड टू द डिस्कशन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज अबाउट द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आज का जो डिस्कशन का मैटर है, इट इज अबाउट द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आफ्टर द प्रशांत भूषण केस, द रूपी वन केस। वी ऑल आर फेमिलियर विथ वॉट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हालांकि मैंने आपके साथ में एक बहुत शॉर्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस भी किया था अबाउट द सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट, मगर यहां पे वी विल बी गोइंग टू लुक अबाउट मोर टेक्निकलिटीज, जैसे क्या एक्सेप्शंस है, कौन से लेजिस्लेशन है जिस लेजिस्लेशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर मिलती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगाने की, किस तरीके से दूसरी कंट्रीज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डील करती हैं, किस तरीके से हमारे यहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास्ट में कुछ नोटेबल डिसीजंस दिए गए हैं रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट को कहीं पे बोला हुआ है कि इस अथॉरिटी को यूज करना चाहिए, किसी डिसीजन में बोला हुआ है कि इस अथॉरिटी को देख के संभल के यूज करना चाहिए, तो इन सब मुद्दों पे बात करने की कोशिश करेंगे। एंड ऑफ कोर्स सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है इस पे बात करने की कोशिश करेंगे, मगर स्टार्टिंग सबसे पहले मैं इस चीज से करना चाहूंगा अबाउट द बेसिक आइडिया ऑफ द जुडिशियल सिस्टम इन आर कंट्री। वो क्या है? वो है डिसीजंस देना, वेदर प्रो और कॉन्स। उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करवाने की जो जिम्मेदारी रहती है वो रहती है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पे, सुप्रीम कोर्ट के पास खुद के पास कोई या फिर किसी भी जुडिशियल सिस्टम के पास में खुद का मैन पावर नहीं होता, ये सब हम जानते हैं। तो या तो वो कभी हमें सेंटर को डायरेक्ट करती हुई दिखती हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, या किसी टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट करती हुई दिखती हैं कि आपको इस तरीके से ये काम करना है। तो इस डिसीजन को ना मानना ये एक कंटेम्प्ट कहलाएगा। तो इस तरीके से ये बेसिक आइडिया निकल के आता है कि क्यों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जुडिशरी को जरूरत है, ये हम सब समझ गए। इसी कारण से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है जुडिशरी के लिए, ये भी आपको जानना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आर्टिकल भी बताऊंगा मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, मगर ये बेसिक आइडिया उम्मीद करता हूं आप समझ गए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन की अवमानना कोई ना कर पाए, इस कारण से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर हमारे जुडिशरी को दी गई। चलिए ये सब आप समझ गए। अब क्या होता है दोस्तों, अब बात करते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहां से निकलता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 का एक लेजिस्लेशन है जो सिविल और क्रिमिनल, देखो होता क्या है कि आर्टिकल्स में जो संविधान में दिया हुआ है, आर्टिकल्स में यह मेंशन किया गया है कि कंटेम्प्ट अगर कोई कोर्ट का करेगा तो उसको पनिश कर सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों, मगर वो कंटेम्प्ट क्या होगी ये एक लेजिस्लेशन के थ्रू बताया है। कौन सा लेजिस्लेशन? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 में एक लेजिस्लेशन आया था जहां पे दोनों सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को डिफाइन किया गया है। अब यहां पे हमको जानना पड़ेगा कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है। जब भी किसी ड्यू कोर्स से इंटरफेरेंस किया जाएगा, जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर करेगा विद ड्यू कोर्स, मतलब कि मान लो कि कोई केस चल रहा है बहुत बड़ा, उसमें किसी तरीके का दखल अंदाजी कोर्ट को लगा कि ये कर रहा है तो उस पर कंटेम्प्ट चलेगा, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। इसी के साथ अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है टू एडमिनिस्ट्रेशन जिससे कि कोई केस जस्टिस तक ना पहुंच पाए, उस पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट केस लग सकता है। या साथ ही साथ कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की अथॉरिटी को स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखो आज मीडिया का जमाना है, मैं कल को उठ के बोल दूं कि बोबड़े साहब चोर है, या मैं बोल दूं कि गोगोई साहब चोर थे क्योंकि आज उनको राज्यसभा की सीट दे दी, मैं ऐसे नहीं बोल सकता। क्यों? माइट बी पॉसिबल मेरा जो इंटेंशन है उसको स्कैंडलाइज करने का, उस इतनी बड़ी अथॉरिटी को जो डिसीजंस दे रही है वो कोई बहुत बड़ा केस को सुनवाई कर रही हो, जिससे कि मैं चाहता हूं कि उनकी इमेज को नलिफाई करूं ताकि जो केस वो देख रहे हैं उसमें कुछ मैनिपुलेशन वो करें, क्योंकि उनको ऐसा लगे कि मेरी इमेज नहीं तो खराब हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए। इसी के साथ अब स्कैंडलाइज कैसे करोगे आप? अगर आपको मैं बोल दूं कि गोगोई जी या बोबड़े साहब को आपको स्कैंडलाइज करना है तो कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, कुछ भी पब्लिक स्टेटमेंट्स दे दो, कुछ भी उनके खिलाफ वीडियो बना के डाल दो, इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपने करा तो क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट केस आप पे लग जाएगा। अब आते हैं सिविल कॉन्टेम्प्ट पे। अगर आपने विलफुल डिसओबीडियंस करा कोर्ट ऑर्डर का या विलफुली ब्रीच करा, मान लो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने आपको कोई ऑर्डर दिया हो और आपने विलफुली उसको ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया, नहीं मानना, आप पे सिविल केस, सिविल कॉन्टेम्प्ट केस चलेगा। तो ये फर्क होता है क्रिमिनल और सिविल कॉन्टेम्प्ट केस में। इसी के साथ अब बात करते हैं पनिशमेंट की। तो वो तो 6 महीने की पनिशमेंट इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं या फाइन लगा सकते हैं, मगर जो यहां पे एक्सेप्शन है
या मैं लिमिटेशन बोलूं यहां पे, सबसे पहले एक्सेप्शन तो मैं आपको बताऊंगा, लिमिटेशंस जो है यहां पे कि अगर आपने मान लो कि कोई कंटेम्प्ट करा, मतलब कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अंदर में सिविल या क्रिमिनल में वो केस आता है, आपने कोई ऐसा एक्ट करा, मगर अगर आज से एक साल बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सोचे कि इस केस को अब संज्ञान में हम ले लेंगे तो वो नहीं कर सकते। तो एक ईयर की लिमिटेशन दी गई है कि अगर आपको कंटेम्प्ट का केस लगाना है तो विद इन वन ईयर आपको लगाना पड़ेगा और प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी पड़ेगी। नाउ देयर आर आल्सो सर्टेन एक्सेप्शंस। अगर मैं कोई चीज सही बोल रहा हूं, मान लो कि मेरे पास प्रूफ है कि गोगोई जी करप्ट आदमी है, तो आपको वो चीज फिर मानना पड़ेगी और वो क्रिटिसिज्म फेयर होना चाहिए और विद एविडेंस होना चाहिए। इसी के साथ में फेयर क्रिटिसिज्म कैसे चलेगा? हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन मुझे नहीं समझ में आया, या फिर मैं उससे फेवर में नहीं हूं, या मैं बोल सकता हूं कि मेरा पर्सपेक्टिव अलग है, तो मैं फेयरली उसको क्रिटिसाइज कर सकता हूं, इसमें कोई गलत काम नहीं है। इसी के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, डेट इज डिफेमेटरी अटैक ऑन जजेस आर ऑल्सो अलाउड। बस शर्त यह है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इंटरप्ट नहीं कर रहे हो, इंटरफेयर नहीं कर रहे हो। अगर ये नहीं कर रहे हो आप, तो आप किसी जज पे डिफेमेटरी कमेंट्स या अटैक भी कर सकते हो। यह चीज आपको ध्यान रखनी थी। अब दोस्तों बात करते हैं, क्योंकि हमने इतनी सारी यहां पे चर्चा कर ली, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो ये आपको लेजिस्लेशन दिया गया है, जो बना था 1971 में, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं, इस एक्ट को अमेंड किया गया था इन 2006। इसमें क्या फेर बदल किए गए थे, डेट इज इन सेक्शन 13, ये हमको थोड़ा जानना पड़ेगा। सेक्शन 13 जो है 1971 के एक्ट का, वो हमको क्या देता है, या मैं बोलूं हमको पावर या कोर्ट को क्या रेस्ट्रिक्ट करता है, ये हमको जानना पड़ेगा। सेक्शन 13 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 कोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट करता है कि वो किसी के खिलाफ भी कंटेम्प्ट का केस न चलाएं, अनलेस इट सब्सटेंशियली इंटरफेयर विद ड्यू प्रोसेस ऑफ जस्टिस। जैसा मैंने बार बार बोल रहा हूं, जब तक ड्यू प्रोसेस ऑफ जस्टिस से इंटरफेरेंस कोई व्यक्ति नहीं कर रहा, आप उस पर कंटेम्प्ट का केस नहीं चलाओगे। ये 2006 में अमेंडमेंट लाके चेंज किया गया था, और इसी कारण से सेक्शन 13 में एक वर्ड और ऐड करवाया गया था, दैट इज डिफेंस ऑफ ट्रुथ अंडर सेक्शन 13 ऑफ ओरिजिनल लेजिस्लेशन। मतलब कि अगर आपके पास डिफेंस करने के लिए ट्रुथ है, एविडेंस है, तो यू कैन अटैक ऑन एनी जज। ये आपने देखा। अब जैसा मैं आपको बता रहा था कि यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर दी गई है, आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है, और आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट को पावर दी गई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अथोराइज किया गया है। साथ ही रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं अंडर आर्टिकल 19, दैट इज ऑन आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हम कुछ भी उठ के कल को न बोल दें। तो इस तरीके से यहां पे हमको ये चीज देखनी थी। अब बात करते हैं इसकी जरूरत, इसकी नीड पे। दोस्तों क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, वो स्मूथली रन होती रहे, इस कारण से उनको ये पावर दी गई कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर ले सकते हो। साथ ही आज एक वो इतनी बड़ी अथॉरिटी हमारे देश में है, हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ आर फंडामेंटल राइट, तो उनकी डिग्निटी और अथॉरिटी को मेंटेन करने के लिए उनको ये पावर दी गई। साथ ही वो जजमेंट्स दे रही है यस और नो में, तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस जजमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आप उनकी इमेज को नलीफाई करोगे, तो इट कैन हैम्पर द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द जुडिशरी। तो पब्लिक कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए उनको ये पावर दी गई। साथ ही कोर्ट के ऑर्डर्स को कंप्लाई किया जा सके, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि कोर्ट के पास खुद का मैन पावर नहीं होता, तो उनकी डिसीजन को कोई अवहेलना ना करे, इसलिए कारण से इनको पावर दी गई। हालांकि अगर हम अदर कंट्रीज का एग्जाम्पल लें, वेदर यूएस, कैनेडा, इंग्लैंड, दे हैव टोटली एबॉलिश द स्कैंडलाइजिंग कोर्ट एस ऑफेंस, मतलब कि आप कर सकते हो वहां पे। तो ये हमको एक मॉडर्नाइज वे में आज सोचने की जरूरत है। इसी तरीके से लॉ कमीशन ने भी कुछ रिकमेंडेशन दी है, वो भी मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। जैसे कि उन्होंने ये बोला है कि इस एक्ट को अगर आप खत्म भी कर दोगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पावर मेंशन है बोथ टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ये पावर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के पास में नहीं है, ये सवाल आ सकता है। अब लॉ कमीशन का यह बोलना है कि अगर आप इस एक्ट को डिलीट भी कर दोगे तो उसका कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दी गई है, तो वहां से तो वो एक्सरसाइज हमेशा कर ही सकते हैं। इस लेजिस्लेशन में तो सिर्फ डिफाइन किया हुआ है कि कंटेम्प्ट क्या कहलाएगा। तो लॉ कमीशन यहां पर एक और रिकमेंडेशन देता है कि इस लेजिस्लेशन को हटाने के बजाय आप ये कर सकते हो कि इसके जो वर्डिंग्स हैं, जैसे क्रिमिनल ऑफेंस क्या कहलाएगा, सिविल ऑफेंस,
इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो अभी बहुत वेग चलती हैं, तो उनको आप फाइनली डिसाइड करके क्रिस्टल क्लियर बताओ पब्लिक को कि क्या इंटरप्रिट करते हो आप कंटेम्प्ट से। कोई व्यक्ति क्या एक्ट करेगा जिसको आप कंटेम्प्ट मानोगे, अपनी मर्जी से आप डिसीजन मत दो। इसी के साथ हमको यह भी पता होना चाहिए करेंटली देर आर 96 इनफैक्ट मोर देन 96,000 केसेस ऑफ सिविल कंटेम्प्ट एंड 538 केसेस ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट आर गोइंग आर पेंडिंग इन इधर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसी के साथ साथ ये एक्ट को अगर हम नलीफाई करते हैं तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे, क्योंकि जैसा मैंने अभी तक आपको बताया कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स देमसेल्व्स डोंट हैव पावर टू पुट कंटेम्प्ट केस ऑन एनीवन। ये हाई कोर्ट को पावर दी गई है कि अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की कोई कंटेम्प्ट करता है तो उसको बचाने की जिम्मेदारी हाई कोर्ट की है। उम्मीद करता हूं समझ गए, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को अगर कोई हैम्पर करने की कोशिश करता है तो हाई कोर्ट आके उसको बचाएगी। तो अगर ये लेजिस्लेशन चला गया तो सुप्रीम सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास तो कोई पावर ही नहीं है, उसको कौन बचाएगा, उसकी कोई भी कंटेम्प्ट कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कुछ नोटेबल केसेस की, कुछ बहुत अच्छे नोटेबल केसेस हमारे सामने आए हैं, जैसे पी एन दुआ वर्सेस शिवशंकर का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि मियर क्रिटिसिज्म डज नॉट लीड टू द कंटेम्प्ट, तो इस कारण से कंटेम्प्ट ऑफ केस आप नहीं चलाओगे। वहीं प्रीतम लाल वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ एमपी की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बोला था कि ये कोर्ट की ड्यूटी है कि अगर कोई कंटेम्प्ट करता है तो आप उसको पनिश करो। वहीं 1999 में कोर्ट ने बोला था कि द शोल्डर्स ऑफ द कोर्ट आर वाइड इनफ टू श्रग ऑफ दीज कॉमेंट्स, हालांकि हम देखे ना कितने वाइड शोल्डर्स है, तो ये वैसी बात हो गई 56 इंच जैसी। उनका बोलना है कि हमारे शोल्डर्स इतने ब्रॉड है कि हम ऐसे कॉमेंट्स को तो ऐसे ही झाड़ देते हैं, बाकी हम सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो आपके कमेंट जरूर बताइएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, क्या इसको नलीफाई कर देना चाहिए या इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने चाहिए। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बहुत चीजें समझी होंगी। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑल्सो यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट यू कैन हैव फुल डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। इन दी एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।